टफ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उन कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास की बैटरी लगी हुई है किसी सर्किट के अंदर और ये आपके पास एक स्विच है, इसके साथ यहाँ पे आपने एक बल्ब कनेक्टेड कर दिया इस तरीके से। अब ये बल्ब उसी सिचुएशन में जो है वो ब्राइट कर सकता है जिस वक्त आपका स्विच जो है क्लोज है। अगर इन केस आपका स्विच जो है इस तरीके से ओपन हो जाता है तो उस वक्त आपका ये जो बल्ब है ये रोशन नहीं हो सकता। अब इसका मतलब है दो कंडीशन होगी, या तो आपका जो स्विच है वो ऑन हो सकता है या आपका स्विच जो है वो ऑफ हो सकता है। सिमिलरली अगर आप कोई MCQs का टेस्ट दे रही हैं तो उसमें अगर ट्रू और फॉल्स हैं तो वो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो आपका ट्रू हो सकता है या वो आपका फॉल्स हो सकता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई इंसान स्टेटमेंट दे रहा है तो उसकी जो स्टेटमेंट है या वो स्टेटमेंट जो है वो राइट हो सकती है या उसकी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो सकती है। इसी तरीके से आपका जो डोर है कमरे का, या तो वो डोर जो है वो ओपन हो सकता है या वो डोर जो है क्लोज हो सकता है। इसी तरीके से कुछ कंडीशन हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी पॉसिबल दो ही च्वाइस हो सकती हैं, या तो वो ये हो सकती है या ये हो सकती है, तीसरी कंडीशन हमारे पास नहीं होती। इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास बूलियन अलजेब्रास हैं, या इसे हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स हैं। हम लोग दोनों ही नाम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें जिनकी सिर्फ दो ही चॉइसेस हो सकती हैं, कोई तीसरी चॉइस नहीं हो सकती, उसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बूलियन अलजेब्रास हैं या बूलियन वेरिएबल्स हैं। इसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए फिजिक्स में हम लोगों ने क्या किया है कि हमने डिजिटल ऑपरेशन बनाए हैं। डिजिटल ऑपरेशन जो हैं हमारे पास वो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से ऑपरेट किया होता है कि जैसे अगर आपके पास स्विच है और स्विच लगा हुआ है, बैटरी लगी है, सब कुछ सर्किट के अंदर कंप्लीट है, तो उस वक्त सर्किट जो है आपको वन का साइन देगा कि मतलब कि उसके अंदर जो है इनपुट प्रोवाइड करने से आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रही है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई सर्किट है उसके अंदर कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, आप चाहे इनपुट दे भी रहे हैं तो आपको जो आउटपुट है अगर वो जीरो मिले तो इसका मतलब है इस सिचुएशन में क्या है कि आपका सर्किट इनकम्प्लीट है, उसके अंदर से जो है वो करंट पास नहीं कर रहा। तो ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन के दो जो डिजिट्स हैं हमारे पास जीरो और वन, इसे इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने फिजिक्स में क्या किया है कि डिजिटल ऑपरेशंस बनाए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं। चूंकि ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो यहाँ पर हम लोग जो डिजिटल ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे वो डिजिटल ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये जो डिजिटल ऑपरेशंस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी मेजर तीन टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास एंड ऑपरेशन होता है, दूसरा ऑपरेशन हमारे पास और ऑपरेशन होता है, इसके अलावा यहाँ पे एक तीसरा ऑपरेशन है जिसे हम लोग नॉट ऑपरेशन कहते हैं। ये तीन ऑपरेशन ही डिजिटल सिस्टम के अंदर तीन मेजर ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करते हुए आगे डिजिटल जो है हम लोगों ने मजीद ऑपरेशन भी बनाए जिसे हम लोग एक्सक्लूसिवली नॉर और एक्सक्लूसिवली और ऑपरेशन कहते हैं। दोनों ही और के ऑपरेशन आ जाते हैं जिसे हम लोग एक्सक्लूसिवली और एक्सक्लूसिवली नॉर कहते हैं। तो ये दोनों ऑपरेशन जो हैं इन्हीं के मजीद टाइप हम लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास मेजर है वो यही तीन ऑपरेशन आ जाते हैं। इसी तरीके से इन ऑपरेशन के जो है सिंबल्स भी होते हैं, इनके थ्रू टेबल भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है यहाँ पे ऑपरेशन हैं उनके साइंस और उनके साथ उनके थ्रू टेबल बने हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास एंड ऑपरेशन है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड ऑपरेशन की। एंड ऑपरेशन का जो सिंबल है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें हम लोग दो इनपुट्स देते हैं, एक इनपुट ए और एक इनपुट बी, और इसके रिजल्ट में हमें एक आउटपुट मिलता है जिसे हम लोग एक्स कह देते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से आप एक एग्जांपल ले लें कि आपने जो है बैटरी कनेक्टेड कर दी और बैटरी के साथ आपके पास वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है जिसको आप जो है इसके थ्रू जो है इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करके आउटपुट लेना चाहते हैं। इसके साथ ही आप क्या करते हैं कि यहाँ पे दो स्विचेस लगा देते हैं, एक स्विच ये है जिसे आप स्विच ए कह दें और दूसरा स्विच आपके पास है जिसे आप स्विच बी कह दें। ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। ये इस तरीके से आपके पास जो है एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पास इसे S1 कह दीजिए और इसे S2 कह दीजिए। अब आपके पास चार कंडीशन हो सकती हैं। वो चार कंडीशन किस तरीके से आएंगी, इस तरीके से आएंगी कि आपके पास यहाँ पर जो है एक ट्रुथ टेबल होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है जिसके अंदर हम लोग जो है पॉसिबल कंडीशंस बता देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो पॉसिबल कंडीशंस है वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये हमारे पास स्विच ए है और ये हमारे पास स्विच बी है।
अब हमारे पास जो कंडीशंस है वो इस तरीके से आ सकती हैं कि या तो हमारे पास पहली कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों स्विचेस जो हैं वो ओपन हों। अगर ये दोनों ओपन हैं तो इनमें से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, कोई भी इनपुट नहीं जाएगी, तो कोई भी आउटपुट भी हमें जो है वो नहीं मिलेगी। अगर मैं ये कंडीशन लगा दूँ, ये जो फर्स्ट कंडीशन थी ना, सेकेंड मैं ये कह दूँ कि हमारे पास जो स्विच ए है उसे हम लोगों ने क्लोज कर दिया, और अगर क्लोज कर दिया है तो हम लोगों ने बात की है कि फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने डिजिटल ऑपरेशन इस तरीके से बनाए हैं कि अगर वहाँ पे सर्किट क्लोज है तो उसे हम लोग वन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वो जो है वो ओपन है तो उसे हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे पास बी वाला स्विच जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो जाए और जो ए वाला है वो ओपन रह जाए। ये चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों के दोनों ही हमारे पास ओपन हो जो है क्लोज हो जाए। तो ये हमारे पास चार कंडीशंस आ गई। अब इन चारों कंडीशंस को यहाँ पर भी करके देख लेते हैं कि चारों कंडीशंस आती कैसे हैं। फॉर एग्जांपल पहले केस में हम लोगों ने बात किया कि ये जो फर्स्ट केसेस में दोनों में हम लोगों ने इनपुट्स को ओपन रखा है। दोनों अगर ओपन है तो जाहिर सी बात है जो हमारी आउटपुट एक्स है जिसे मैं साथ ही बना लेती हूँ, इसका मतलब है कि वो भी यहाँ पे जीरो होगी। जाहिर सी बात है दोनों स्विचेस जो है वो क्लोज नहीं है, तो अगर वो क्लोज नहीं है तो उसके अंदर से करंट ही नहीं गुजरेगा। जब करंट नहीं गुजरेगा तो जाहिर सी बात है आपका ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपने यहाँ लगाया है वो किस तरीके से वो एनर्जी को यूज़ कर सकता है, वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो आपके पास जो आउटपुट है वो यहाँ पर जीरो आ जाती है। सिमिलरली अगर आप एक स्विच जो है वो क्लोज कर दें, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है वो किस तरीके से सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा है, इसके साथ आपने क्या कहा है कि आपने स्विच ए को क्लोज कर दिया लेकिन स्विच बी को आपने ओपन रहने दिया इस तरीके से, तो अब चूंकि ये सीरीज में लगी है तो सीरीज में लगने की वजह से चाहे ए क्लोज भी हो जाए लेकिन फिर भी यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा, तो इसका मतलब है आउटपुट यहाँ पर भी जीरो रही है। अब अगर आप दूसरी कंडीशन ये अप्लाई कर लेती हैं कि आपने स्विच ए को जो है वो ओपन कर देते हैं और बी को आप जो है वो क्लोज कर देते हैं, तो तब भी इस सिचुएशन के अंदर भी आपके पास जो है करंट फ्लो नहीं करेगा, आपके आउटपुट जो है जीरो है। लेकिन अगर आपके पास तीसरी कंडीशन ये वाली आ जाती है कि आपके दोनों स्विचेस जो आपने इस सर्किट के अंदर लगा के इस सर्किट को कम्प्लीट किया हुआ है वो इस तरीके से दोनों के दोनों ही जो है क्लोज हो जाएं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और आपके पास जो आउटपुट है वो आपको मैक्सिमम यानी कि वन मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि एंड ऑपरेशन इस तरीके से ऑपरेट करता है जब उसकी दोनों ही इनपुट ऑन हों। जब दोनों इनपुट ऑन होंगी तभी आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। बेसिकली हम जो है ट्रुथ टेबल के लिए हम लोगों ने क्या किया होता है कि कोई भी ऑपरेशन है ना, एंड है या और है, नोट है, कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके लिए क्वेरी भी बना लेते हैं। यहाँ पे चूंकि एंड ऑपरेशन है तो यहाँ पे हम इसे ए डॉट बी इंटू एक्स के इक्वल लिख देते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर ए और बी दोनों ऑन होंगे तो कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी, और अगर इनमें से कोई एक भी ऑन होगा तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आपके पास ए है, अगर वो ऑफ है और बी ऑन है तब भी आपके पास आउटपुट जीरो है, अगर दोनों ऑन है तब तो आउटपुट मिल गई। इसी तरीके से अगर क्या होता है कि आपके पास ए है वो ऑन है लेकिन बी ऑफ है तब भी आउटपुट जीरो है, और अगर दोनों ही ऑफ है तब भी आउटपुट जीरो है। तो बेसिकली ये इसकी इक्वेशन होती है जिसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इस ऑपरेशन को इस तरीके से हमने जो है बना लेते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है, सेकेंड ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास और ऑपरेशन है। अब और ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, और ऑपरेशन में हम लोग कुछ इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे भी एक सर्किट लिया, सर्किट के साथ बैटरी ला दी और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा दिया, और इसके साथ यहाँ पर भी आपको दो स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हम दो ही एक कंडीशन के अंदर दो ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं, ये इसकी जो इस सर्किट को कंप्लीट करने की कंडीशंस है वो दो ही हो सकती हैं इस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर जो हम लोग डिजिटल ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो हम लोगों ने लगाना है ना यहाँ पे स्विचेस, उसे हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में लगाते हैं। वो स्विचेस हम इस तरीके से लगाते हैं कि हम इसे पैरेलल वे में लगा देते हैं इस तरीके से। एक स्विच ये हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाता है और दूसरे स्विच को हम लोग इस तरीके से नीचे की तरफ लगा के सर्किट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि ये हमारे पास स्विच ए है और ये हमारे पास स्विच बी है, ये दो स्विचेस हो गए, ये हमारे पास जो है ये बैटरी आ गई और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ गए जो भी हम लोगों ने जो भी चीज़ यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब यहाँ पे जो इनपुट है, यहाँ पर भी हम लोगों ने दो इनपुट दिए चूँकि हम लोग डिजिटल सिस्टम में देते ही दो इनपुट हैं, यहाँ पे हमारी इनपुट जो है वो ए और बी है और जो आउटपुट है यहाँ पे आउटपुट भी हमारी एक्स ही रहेगी।
इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि वो हम किस तरीके से बनाएंगे, उसके अंदर भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंडीशन जो है हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसी के ऊपर जो है हमारा ये ऑपरेशन बेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा स्विच ए है और ये स्विच बी, अब इसकी तो चार कंडीशन हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों स्विचेस जो है ओपन हैं, जब दोनों स्विचेस ओपन है तो 0-0 कंडीशन आ जाएगी। दोनों स्विचेस जो है क्लोज हो जाएं, क्लोज हो जाएं तो हमारे साथ ही बात है कि इनपुट जो है हमने प्रोवाइड किया, सर्किट क्लोज है तो कोई ना कोई आउटपुट भी हमें मिलेगी, तो 1-1 आंसर आ गया हमारे पास इन दोनों इनपुट के लिए। अगर हम ये करें कि हम जो है हमारा स्विच ए उसे हम लोग क्लोज कर दें और स्विच बी को ओपन रखें तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। और अगर ऐसी कंडीशन बनाएं कि हम लोग जो है ए को ओपन कर दें और बी को क्लोज कर दें, तो इस तरीके से हमारे पास चार कंडीशन बन जाती हैं। अब इन्हीं जो इनपुट है इसके साथ हम लोग यहाँ पे आउटपुट का भी कॉलम बना लेते हैं इस तरीके से। अब होता क्या है इस ट्रुथ टेबल के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर, और ऑपरेशन जो है बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि फॉर एग्जांपल ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों स्विचेस जो हैं वो ऑन हैं। अगर दोनों ही ऑन है तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो करंट है वो जीरो फ्लो करेगा, आगे यहाँ तक तो पहुँच जाएगा लेकिन इससे आगे जीरो फ्लो करेगा क्योंकि ये जो स्विचेस हैं दोनों ओपन हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमें ज़ीरो मिलेगी। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन हम लोग ये कर लें, जैसे कि हम लोगों ने ट्रुथ टेबल के अंदर लिखा है कि अगर हम इस तरीके से सर्किट को बनाएं कि ये हमारे पास जो है आउटपुट है और यहाँ पे हमारे पास जो है दो स्विचेस इस तरीके से लगे हैं, इन दोनों स्विचेस को हम लोग क्लोज कर दें इस तरीके से, यहाँ पर ये स्विच ए है और ये बी है, अगर इन दोनों को क्लोज कर देंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी जो कि 1 है। लेकिन अगर हम इस तरीके से कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो सर्किट है इस तरीके से है, ये हमारा सर्किट हो गया कम्प्लीट, ये हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगी, और हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं कि हम एक स्विच को, जैसे कि हमने कहा स्विच ए को क्लोज कर देते हैं और बी को ओपन रहने देते हैं, ये बी को मैंने ओपन रहने दिया और ए को क्लोज कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है यहाँ पर करंट फ्लो कर जाता है क्योंकि पैरेलल वे में लगे ना, अगर करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ से तो फ्लो करता हुआ इसका आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, तो इस वजह से इसके अंदर से करंट फ्लो कर जाता है। लेकिन अगर मैं तीसरी कंडीशन ये वाली करूँ कि मैं जो है अपने बी को क्लोज कर दूँ और ए को ओपन कर दूँ, ये हमारे पास ए है जिसे मैंने ओपन कर दिया और बी को इस तरीके से क्लोज कर दिया, तो अब क्या होगा कि हमें अब भी कोई ना कोई आउटपुट मिल जाएगी क्योंकि अब अगर करंट ऊपर वाली तरफ से नहीं गुजरेगा तो करंट नीचे वाली तरफ से तो गुजर ही जाएगा और इसे कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ए जो है वो ओपन हो तो बी की वजह से तब भी यहाँ पे कोई ना कोई आउटपुट मिल जाती है। जिस तरीके से हमने बात की कि हमारे पास एंड ऑपरेशन के लिए कोई ना कोई इक्वेशन होती है उसे वेरीफाई करने के लिए, इसकी आउटपुट गेन करने के लिए, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं कि ये ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि आउटपुट के इक्वल है। इसमें क्या होता है कि अगर तो दोनों हमारे पास इनपुट जीरो है तो बेसिकली आउटपुट जीरो ही आती है, और अगर दोनों इनपुट जो है हमारे ऑन है यानी कि क्लोज है सर्किट, तो उस वक्त यहाँ पर आउटपुट मैक्सिमम आती है क्योंकि यहाँ पे वन ऑपरेशन की बात की जा रही है, 1 और 1 2 नहीं हम लिखेंगे बल्कि 1 ही लिखेंगे। इसका मतलब है कि सर्किट क्लोज है उसके अंदर से करंट गुजर रहा है। जब भी कोई चीज़ क्लोज होती है तो हम लोग 1 लिखेंगे और अगर ओपन है तो हम 0 का साइन देंगे। अगर हम ये कहा दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पर आके बात की कि दोनों ओपन है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब तीसरी कंडीशन में हम लोग कह रहे हैं कि अगर ए ओपन है और बी जो है, बल्कि ए जो है वो क्लोज है, हमारे पास बी ओपन है, तब भी हमारे पास क्या आउटपुट आती है 1। इसी तरीके से अगर 1 जो है वो ओपन है और बी क्लोज है, तब भी हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आती है। तो इस तरीके से हम लोग और ऑपरेशन को बना सकते हैं कि और ऑपरेशन किस तरीके से काम करते हैं। जो हमारे पास और ऑपरेशन का साइन होता है, और ऑपरेशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके पास दो इनपुट आ जाती हैं और ये जो है एक इसकी आउटपुट आ जाती है जिसे हम लोग एक्स कहते हैं, और ये दो इनपुट आ जाते हैं। हम लोगों ने एंड ऑपरेशन पढ़ लिया और ऑपरेशन पढ़ लिया, अब हमारी बारी है तीसरा ऑपरेशन पढ़ने की। इस तीसरे ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं कि ये नॉट ऑपरेशन है। अब नॉट ऑपरेशन में क्या होता है, नॉट ऑपरेशन ना बेसिकली एक इनवर्स ऑपरेशन है। इसे आप इस तरीके से बता सकते हैं कि इसकी सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपके पास कोई एक सर्किट है उसके अंदर जो आउटपुट है वो आपको ए मिल रही है, तो अब जो नॉट ऑपरेशन है वो क्या करेगा, उसका जो आंसर होगा वो ए के ऊपर बार आ जाएगी। इनके इनवर्स आप इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है सर्किट के अंदर आउटपुट जो है वो जीरो है, तो ये नॉट ऑपरेशन क्या करेगा, उसे 1 में कन्वर्ट कर देगा। अगर उसकी आउटपुट जो है वो आपके पास 1 आ रही है तो इसे क्या करेगा कि 0 में कन्वर्ट कर देगा। जो हमारे पास नॉट ऑपरेशन होता है उसका साइन जो है वो हम कुछ इस तरीके से देते हैं कि हमारे पास एक्स है और इसके पीछे हमारे पास जो है इस तरीके से दो इनपुट्स होती हैं जिसमें हम लोग एक बल्कि एक ही इनपुट होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत कर दूँ,
क्योंकि हमारे पास एक ही यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देते हैं तो हमारे पास एक ही इनपुट आती है। अब ये एक इनपुट कैसे आती है, हम लोगों ने तो बात की थी हम लोग दो इनपुट्स देते हैं। ये जो एक इनपुट आती है ना, ये इस तरीके से आती है कि हम लोग नॉट ऑपरेशन को यूज़ कर लेते हैं एंड ऑपरेशन के साथ भी और ऑपरेशन के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास एंड ऑपरेशन है, ये आपके पास एंड ऑपरेशन की दो इनपुट होगी और ये उसके आगे जो है आपके पास एक आउटपुट आ गया जिसे आप एक्स कहते हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लें कि आपके पास जो इनपुट है वो ए है, ए इनपुट जो है ए की इनपुट भी वन थी और बी की इनपुट भी वन थी, मतलब कि दोनों स्विचेस उस वक्त क्लोज थे। तो आपके पास जो है इन इनपुट की वजह से जो आउटपुट आई है वो एक्स है जो कि आपके पास वन आ गई। अब इसके साथ अगर आप इस तरीके से अपना नॉट ऑपरेशन जो है वो लगा देते हैं, नॉट गेट लगा देते हैं, तो होता क्या है कि ये आपके पास एक्स है, आप नॉट जो हमारे पास नॉट ऑपरेशन है या नॉट गेट है उसने क्या करना है, ये जो एक्स है इसको एक्स बार कर देगा, रिवर्स कर देगा। मतलब कि अगर इसको इनपुट जो कि आप बेसिकली आपकी एंड ऑपरेशन की आउटपुट है, ये हमारे पास जो है एंड ऑपरेशन की हमारे पास आउटपुट है, तो ये एंड ऑपरेशन की आउटपुट जो है वन आ गई, इसे नॉट ऑपरेशन ने क्या करना है, जीरो में कन्वर्ट कर देना है। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे और ऑपरेशन है तो और ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर आपके पास और ऑपरेशन की जो है इनपुट वो आपके पास वन थी और उससे आपके पास जो है आउटपुट जो है वो भी वन आई है, इस तरीके से उसके साथ अगर आप नॉट ऑपरेशन लगा दें तो इसने इसे क्या करना है, रिवर्स कर देगा एक्स नॉट में और इसे कर देगा ज़ीरो। अगर तो वो ऑन थी तो इस वक्त इसे ऑफ कर देगा। इसी तरीके से नॉट ऑपरेशन काम करता है, किसी भी चीज़ के आउटपुट को जो है रिवर्स कर देता है। अगर उसे एंड ऑपरेशन के साथ लगाओगे तो उसकी आउटपुट को रिवर्स कर देगा, और एंड ऑपरेशन हो या और ऑपरेशन हो उनकी जो आउटपुट होती है वो नॉट ऑपरेशन के लिए बेसिकली इनपुट होती है, और उस आउटपुट को जो ये अपनी इनपुट बनाकर इस्तेमाल करता है तो उस इनपुट से ये जो अपना आउटपुट देता है वो एंड और नॉट ऑपरेशन और नॉट जो ऑपरेशन है उसके रिवर्स ही देता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है कुछ ऑपरेशन होते हैं जिसे हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास नेगेट आ गया। इन नैंड गेट को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, नैंड गेट को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि ये बेसिकली एंड है। एंड के एंड ऑपरेशन को जैसे भी मैंने बात की कि हमारे पास एंड ऑपरेशन है, उसके साथ अगर हम लोग नॉट ऑपरेशन लगा दें, जो हमारा नॉट था नॉट गेट लगा दें इस तरीके से, तो ये ऑपरेशन क्या बन जाता है, ये हमारा नैंड गेट बन जाता है, या हम इसे कहते हैं कि इसे बाज़ अवकात हम लोग कह देते हैं। तो नैंड ऑपरेशन का जो हमारे पास यहाँ पर ट्रुथ टेबल आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि फॉर एग्जाम्पल इसकी हम लोग चार फटाफट से ले लेते हैं चार कंडीशंस, और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि हमारे पास जो है दो स्विचेस हो सकते हैं, या तो ए और बी, ये या तो दोनों क्लोज हो सकते हैं या दोनों ओपन हो सकते हैं, या ये क्लोज हो सकता है ये ओपन, या ये ओपन और ये क्लोज। इसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट आती है एंड गेट के अंदर, हमें मालूम है कि जो एंड गेट है हमारे पास वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है ए डॉट बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आती है, इस आउटपुट के साथ हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक नॉट ऑपरेशन लगा दिया जिसे हम लोग एक्स बार के फॉर्म में लिख देते हैं। अब अगर ये दोनों ऑन है तो आउटपुट वन आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे आगे हमने क्या किया है कि नॉट ऑपरेशन लगाया, वो इसे इसकी आउटपुट को क्या करेगा, अपने इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक नई आउटपुट देगा जिसे वो ज़ीरो कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर जो है ज़ीरो आउटपुट मिलेगी जिसे ये वन कर देगा, यहाँ पर भी ज़ीरो आउटपुट मिलेगी जिसे ये जो है वन कर देगा, यहाँ पर भी हमारे पास ज़ीरो आउटपुट मिलेगी जिसे ये वन कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास नैंड ऑपरेशन बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एक और गेट बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास नॉट गेट है। इसे हम लोग कैसे करते हैं कि बेसिकली हमारे पास और ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन के अंदर जो और गेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके साथ हम लोग यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, एक नॉट गेट लगा देते हैं, जो क्या करता है कि इसकी आउटपुट को अपने इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक न्यू आउटपुट दे देता है जो कि इसकी आउटपुट से रिवर्स होती है। जैसे कि हम लोगों ने इस डिजिटल सिस्टम के बारे में पढ़ा है जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, हम बेसिकली इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने इन गेट्स के बारे में तो देख लिया, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हम इसे ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम, अलार्म सिस्टम और सेफ्टी सिस्टम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसी एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ जिससे हम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास एक घर है, इस घर के अंदर आप चाहते हैं कि आपके पास, आपको मालूम है कि एक डोर होता है, ये आपके पास डोर आ गया, और इसके साथ ही आपके पास यहाँ पे एक विंडो भी होगी। अगर आप चाहते हैं, आपको मालूम होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर घर में अगर कोई चोर भी घुसे तो वो कहाँ से घुस सकता है, यहाँ तो वो विंडो से आ सकते हैं या वो गेट से आ सकते हैं। अगर अब आप इस जगह पर अलार्म रखना चाहती हैं कि आपने यहाँ पे एक अलार्म सेट करना है, एक अलार्म सिस्टम इस तरीके से लगाना है कि जैसे ही ये गेट खुले आपकी एब्सेंस में, या अगर आप अपने कमरे में ही लगाना चाहते हैं कि कमरे की विंडो ही और डोर में लगाना चाहती हैं, तो अगर वो डोर या विंडो जो है दोनों ओपन हो
तो उस वक्त क्या होता है कि आपके पास जो है यहाँ पे आपको एक साइन मिल जाएगा जो कि वन होगा, और अगर वो क्लोज हो तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगी जीरो। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर अलार्म सिस्टम बनाते हैं। वो अलार्म सिस्टम हम इस तरीके से बनाते हैं कि जैसे ही ये दोनों चीज़ें या इनमें से कोई एक भी, हो सकता है विंडो ही खुल जाए या डोर ही कोई खोल दे, तो जैसे ही इन दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों ही ओपन हो तो आपके पास क्या होगा कि आपको वन आउटपुट मिल जाएगी और आपका अलार्म जो है वो साउंड करने लगेगा। इस चीज़ का मद्देनजर रखते हुए जो हम लोग ऑपरेशन यूज़ करते हैं या जो गेट हम लोग लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे और गेट यूज़ करने लगे, क्योंकि हमने ये कंडीशन रखी है कि चाहे हमारी विंडो ही अकेली क्यों ना ओपन हो जाए उस वक्त भी हमें अलार्म सुनाई देना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि अगर विंडो भी ओपन हुई है तब भी हमारे कमरे के अंदर कोई ना कोई आ गया, या अगर हमारा डोर भी ओपन हुआ है तब भी हमारे कमरे के अंदर कोई ना कोई आया है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें ओपन हों तभी आपको पता चले, इनमें से कोई एक चीज़ भी ओपन हो तब भी अगर आप अलार्म को बुलवाना चाहते हैं, अलार्म की साउंड चाहते हैं, तब आपको और ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों चीज़ें ओपन हो तभी अलार्म बजे तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एंड उसी वक्त काम करता है जब उसके दोनों इनपुट जो हैं वो उसे मिलते हैं, दोनों इनपुट जो हैं वो वन वन होते हैं, उसी सिचुएशन में काम करता है। और उस सिचुएशन में भी काम करता है जब उसे एक ही तरफ से इनपुट मिल रही हो। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग और ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। और ऑपरेशन के यूज़ करने के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी लगा दी। अब इस बैटरी के साथ जो है कुछ कुछ रेजिस्टेंस वगैरह भी लगा ही दिया करती है। इसके साथ फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले हम लोगों ने अपनी विंडो जो है उसका स्विच लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विंडो लगी हुई है, इस विंडो के साथ हम लोगों ने क्या किया है कि ये पूरी की पूरी चीज़ जो है हमारी एक इनपुट है, ये यानी कि विंडो के साथ एक बैटरी लगाई है और ये सारा का जो सर्किट है ये हमारी एक इनपुट है। इस इनपुट को हमने किसे प्रोवाइड किया है, ये इनपुट हमने प्रोवाइड की है अपने और ऑपरेशन को, और ऑपरेशन के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक अलार्म सिस्टम होगा। ये हमारे पास एक अलार्म सिस्टम है। अब आ जाता है हमारे पास दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी डोर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल डोर को कैसे कनेक्ट करना है, डोर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग करेंगे कि यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और यहाँ पे दोबारा अगेन एक बैटरी लगाएंगे, इस बैटरी को जो है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा बी इनपुट। लेकिन इस बी इनपुट के साथ साथ हमें यहाँ पे अपने डोर के लिए भी तो स्विच प्रोवाइड करना है ना, वो स्विच हम इस तरीके से प्रोवाइड करते हुए ये सर्किट जो है यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे अब दो सर्किट्स हो गए जिसके अंदर ये स्विच एस वन हो गया और ये वाला जो स्विच है इसे हम लोग एस टू कह देते हैं। इस तरीके से ये जो है हमारे सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, इनमें से कोई एक स्विच भी काम करेगा तो हमारे पास ये अलार्म सिस्टम जो है वो ऑन होना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने जैसे कि और गेट में देखा था कि हम लोग दो स्विचेस को पैरेलल वे में इस तरीके से यूज़ करते हैं कि अगर कोई एक स्विच जो है काम करना बंद कर दे तो करंट के पैसेज की वजह से दूसरे सर्किट के अंदर जो है करंट के पास होने की वजह से वो खुद बखुद ही काम करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा कि चूंकि यहाँ पर आपके पास ट्रुथ टेबल के अंदर अगर आप बनाएं तो चार ही सिचुएशन आएंगी। वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से आएंगी कि यहाँ पे अब मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ कि एक मेरे पास डोर है और ये हमारे पास डोर है और एक चीज़ हमारे पास विंडो है। अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं कि दोनों ही चीज़ें जो हैं हमारे पास इस वक्त बंद है, डोर भी बंद है और विंडो भी बंद है। तो उसमें जो हमें आउटपुट मिलेगी वो आउटपुट में मिलेगी ज़ीरो, और आउटपुट ज़ीरो मिलने की वजह से क्या होगा कि हमारा ये अलार्म जो है ऑन नहीं होगा। अब हम लोग दूसरी कंडीशन के बारे में देख लेते हैं कि हमारा जो डोर है वो किसी ने खोल दिया। अगर खोल दिया तो हम लोगों ने बात की थी कि उसके लिए हम लोग जैसे पता कोई ना कोई आउटपुट मिले ना, और जब कोई आउटपुट मिल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं वन है। तो इसका मतलब है डोर को वन साइन मिल गया, लेकिन विंडो इस वक्त क्लोज है तो हम लोगों ने ज़ीरो कह दिया, लेकिन हमें आउटपुट भी मिलेगी क्योंकि हम लोगों ने एंड और ऑपरेशन की बात की। और ऑपरेशन क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आउटपुट, ये हमारे पास और ऑपरेशन होता है। सिमिलरली तीसरी कंडीशन आ जाती है कि फॉर एग्जांपल डोर जो है वो बंद है और हमारी विंडो किसी ने खोल दी तो यहाँ पे वन आ जाता है, जिसकी वजह से आउटपुट क्या मिल जाती है, हमें वन मिल जाती है। और जो हमारे पास चौथी सिचुएशन है वो ये हो सकती है कि डोर और विंडो दोनों ही किसी ने खोल दिए तो इसकी वजह से अलार्म जो है वो बोलना शुरू कर देता है, उसे कोई ना कोई आउटपुट मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है और ऑपरेशन को यूज़ कर लिया। और ऑपरेशन को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमें कोई ना कोई आउटपुट वगैरह मिल जाती है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से आप सिस्टम करते हैं कि सिर्फ डोर के खुलने से अलार्म बजता है तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेशन। लेकिन हम लोगों ने चूँकि और ऑपरेशन यूज़ किया तो और ऑपरेशन को हम लोगों ने इस तरीके से बाकायदा यूज़ करके देख लिया कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम या डिफरेंट सेफ्टी सिस्टम वगैरह आप अपने घरों में, ऑफिस वगैरह में डिफरेंट जगह पे लगा सकते हैं और उन्हें डिफरेंट आउटपुट भी दे सकते हैं।
वो आउटपुट आपकी जो है आउटपुट और जो आपके पास इनपुट है वो डिपेंड करेगी कि आप कौन कौन सा गेट यूज़ कर रहे हैं, आप और गेट यूज़ कर रहे हैं, आप एंड गेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आगे इन्हीं की टाइप आ जाती है। जो हमारे पास नोट गेट आता है ना, वो तो बेसिकली इनकी रिवर्स आती है ना, कि हम लोगों को अगर और ऑपरेशन को रिवर्स करना हो तो हम इसके साथ नोट लगाते हैं, तो हम इसे नोर ऑपरेशन देंगे। सिमिलरली अगर एंड ऑपरेशन है, इसके साथ हम नोट ऑपरेशन लगा दें, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? नैंड ऑपरेशन। तो आप यहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप कहें कि आपने जीरो पे आउटपुट नहीं लेनी, जबकि सिस्टम नहीं रहे, और आप ये कहें कि आपको जीरो पे आउटपुट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आपका अलार्म उस वक्त ऑन हो जब यहाँ पे जीरो हो, और आपको उस वक्त ऑफ चाहिए जब यहाँ पे वन हो, तो क्या होगा? सिंपल सा काम होगा, इस और सिस्टम के आगे आप एक मज़ीद नॉट सिस्टम लगा दें जो कि इसको रिवर्स कर देगा, तो आपके पास एक मज़ीद और एडवांस जो है, आपके पास एक अलार्म एक सिक्योरिटी सिस्टम आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट पर्पसेस हैं कि आप इसे कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की रिक्वायरमेंट चाहिए अपने अलार्म और सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, और डिपेंड करता है कि आपका गेट किस तरीके का जो आप उसके अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप किन किन चीज़ों को अलार्म प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और किन किन चीज़ों को इनपुट प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने डिजिटल सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें बाकायदा पढ़ने के बाद अप्लाई भी करते हैं। हमने सिर्फ पढ़ा नहीं है बल्कि यहाँ पे आज अप्लाई भी किया है कि किस तरीके से हम लोगों ने गेट जो हमारा था यहाँ पे डोर, उसे और हमारी जो विंडो है, दोनों को अप्लाई करके देखा है कि वाकई क्या ये हमारे पास जो गेट सिस्टम है काम करता है। तो ये गेट सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, वो वाकई काम करते हैं, उन्हें हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं।